नमस्कार। कक्षा 12 के सिलेबस में अपने डे 203 में है और अपना चैप्टर चल रहा है एटॉमिक फिजिक्स, जिसमें नेक्स्ट टॉपिक पास करते हैं हाइड्रोजन परमाणु का लाइन स्पेक्ट्रम। इससे पहले हमने पढ़े थे ऊर्जा स्तर के बारे में, वहाँ हमने फॉर्मूला लिया था -13.6/(n²) इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्मूला। उसी में हमने जब एनर्जी निकाली थी, सॉल्व की थी हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की टोटल ऊर्जा का मान निकाला था, तब हमने एक रिडबर्ग कॉन्स्टेंट की फॉर्म में एक रिजल्ट लिए थे कि n में ऊर्जा स्तर की जो ऊर्जा है -RHCH/(n²) होता है। उस समय हमने बात की थी कि हम इस फॉर्मूले का यूज आगे करेंगे। अब हमें यहाँ ये प्रूफ करके नहीं दिखाना है, अब हम इसका डायरेक्ट यूज करके बताना है। अगर आपको लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में पूछा जाए, दूसरी बात, जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है और वापिस आता है तो क्या करता है, जितनी ऊर्जा उसने ग्रहण की थी उतनी को वापिस वो त्याग कर देता है। तो ऊर्जा को त्याग करता है, ऊर्जा फोटोन के रूप में उत्सर्जित होती है तो तरंगें उत्सर्जित होती है। तरंग उत्सर्जित हो रही है तो उसमें दो चीजें होंगी, एक तरंग की तरंग लंबाई होगी, दूसरी उसकी आवृत्ति होगी। तो इसको, इस टॉपिक को इस तरह से भी पूछ लेते हैं कि आवृत्ति के लिए व्यंजक बताइए या आवृत्ति के लिए सूत्र लिखिए या तरंग लंबाई के लिए सूत्र लिखिए या तरंग संख्या के लिए लिखिए। तरंग संख्या भी, तरंग जो आवृत्ति है उसकी व्युत्क्रम होती है वो तरंग संख्या कहलाती है, तरंग लंबाई की व्युत्क्रम, सॉरी 1/λ जो होता है न्यू बात लिखते हैं। तो वो सारी बातें हम इसमें लिख लेंगे 1 by 1। तो सबसे पहली बात, तो हम किसका यूज कर रहे हैं, जो हमने एनर्जी में फॉर्मूला सोल्व किया था, नहीं देखा है तो आप पिछले क्लासेस देख लें, पीछे की 2-3 क्लासेस में आपको पता चल जाएगा कैसे प्रूफ किया गया उसको। तो वो ये RH जो है, RH एक ही वैल्यू है, सिंगल वैल्यू है। RH को क्या बोलते हैं यहाँ, RH जो है वो रिडबर्ग कॉन्स्टेंट है, और इसकी वैल्यू लिखी थी 1.09 × 10⁻¹⁷ मीटर इनवर्स होता है, ये इसकी वैल्यू होती है। ये वैल्यू हमें याद होनी चाहिए। यहाँ से जब हम आगे और चलेंगे थोड़ा, अभी श्रेणियों की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो उसके अंदर फिर हम डिटेल से बात करेंगे वहाँ, तो वहाँ से न्यूमेरिकल पूछा जाता है, बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो ये वो पार्ट है जहाँ से न्यूमेरिकल आने की संभावनाएं रहती हैं। एक पार्ट जो हमने पिछली क्लास में किया था -13.6/(n²) इलेक्ट्रॉन वोल्ट ई की वैल्यू है, तो उसमें से न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा पूछा जाता है इस चैप्टर में। अब ये तो अपने पास बेसिक फॉर्मूला है। अब देखो लाइन स्पेक्ट्रम का बनता है, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो निम्न ऊर्जा स्तर से किसमें जाते हैं उच्च ऊर्जा स्तर में, ये बात हम पहले कर चुके हैं, बोर मॉडल में भी हमने डिटेल से लिख ली थी बात। इसकी जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा स्तर कोई भी हो सकता है, तीसरे से चौथे में जा सकता है, पहले से तीसरे में जा सकता है, दूसरे से पांचवे में जा सकता है, डिपेंड करता है कि कितनी वो एनर्जी जो है वो ग्रहण करता है, उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ इसकी जो ऊर्जा है वो क्या EI है, और इसकी जो ऊर्जा है वो ये EF कह सकते हैं। E का मतलब एनर्जी लेवल है और I का मतलब इनिशियल एनर्जी लेवल है, ये प्रारंभिक ऊर्जा स्तर, ये अंतिम का मतलब फाइनल एनर्जी लेवल है, कोई भी हो सकता है। जैसे पहले से तीसरे में जा रहा है तो n=1 एनर्जी लेवल जो है वो तो गया EI, और तीन में जा रहा है तो जो n=3 है वो गया EF। इनकी अलग अलग की ऊर्जा अलग अलग होती है, वो हम उस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। जब ये वापिस आता है मूल ऊर्जा स्तर में, क्योंकि इसकी अस्थायी अवस्था होती है, तो ये क्या करता है, तरंग उत्सर्जित करता है। इन तरंगों में दो बातें जो हमने करी थी, लैम्डा होता है और क्या होती है, इसकी आवृत्ति होती है। तो ये इस फॉर्म में पूछ लेते हैं कि आवर्ती तथा तरंग धेरे, आवर्ती तथा तरंग धेरे के रूप में व्यंजक याद कीजिए, और यहां से न्यूमेरिकल भी आ जाता है, ये बात पूछ लेते हैं। अब हम इसको सोल्व करते हैं। अब देखो, इनिशियल एनर्जी लेवल से फाइनल एनर्जी लेवल में जाएगा, कुछ भी हो सकते हैं ये। तो EI की जो ऊर्जा है, इसके लिए मान लेते हैं क्या है, संख्या ni है। ये तो क्या बता रहा है, एनर्जी लेवल बता रहा है, कौन से कक्षा है वो, ये क्या बता रहा है, ni बता रहा है। और EF के लिए क्या है, nf, उस कक्ष की संख्या है। तो ni कक्षा के लिए या ऊर्जा स्तर के लिए, कक्षा लिख सकते हैं इसको, ऊर्जा स्तर लिख सकते हैं, एक ही बात के लिए ऊर्जा का जो मान है वो क्या आएगा, EI = -RHCH/(ni²)। तो फॉर्मूला वही है, कुछ अलग नहीं किया हमने, वही फॉर्मूला है।
देखो एक को हमें इसमें ग्रेटर देन मानना पड़ेगा क्योंकि दोनों की ऊर्जा अगर सेम है इसका मतलब वो तो एक ही है, अलग अलग है ही नहीं, अलग अलग है तो इसका मतलब इसकी ऊर्जा अलग है, इसकी ऊर्जा अलग है। ये ई एफ ऊपर दिख रहा है वैसे दिखाई दे रहा अंडरस्टूड है ये, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं ई एफ इज ग्रेटर देन फ्रॉम ई आई, यानी इसकी जो एनर्जी है वो इससे ज्यादा है। वैसे दिखाई दे रहा है कि ज्यादा एनर्जी है तभी इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके यहाँ एनर्जी अब्सॉर्ब करके वहां पहुंच रहा है, ये पहली बात। दूसरी बात अब इसके अंदर लें किसके लिए, NF के लिए, NF के लिए ऊर्जा, तो इक्वेशन वही है अपने पास, EF लिख देंगे इसको इज इक्वल टू माइनस RHCH अपॉन NF का स्क्वायर, इक्वेशन देते सेकंड इसको। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके अंदर कि अब जो फोटोन उत्सर्जित होगा उसकी ऊर्जा क्या होगी, ये बात हम पहले बोर मॉडल में लिख चुके हैं कि जो फोटोन उत्सर्जित होगा उसकी जो ऊर्जा है इन दोनों के ऊर्जा अंतराल के बराबर होगी, ज्यादा ऊर्जा इसकी है कम ऊर्जा इसकी है, ज्यादा में से कम घटा दो, जितनी उसने ग्रहण की थी उतनी वो त्याग कर दे और वही उसकी जो एनर्जी है तो वो किसके बराबर होगी, एनर्जी किसके बराबर होगी, ई एफ माइनस ई आई के बराबर। ई एफ का मान हमने निकाल लिया, ई आई का मान हमने निकाल लिया, दोनों के मान इसमें हम पुट कर देंगे, एक नया रिलेशन अपने पास आ जाएगा, मान रख दें। अब देखो इसमें लिख रहा हूं मैं उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा E बराबर क्या आएगा, ई एफ माइनस ई आई, ज्यादा में से कम माइनस करेंगे तो याद है माइनस आर एच सी एच अपॉन एन एफ स्क्वायर माइनस, ये माइनस तो ये है और ये भी तो माइनस है, आर एच सी एच अपॉन एन आई का स्क्वायर, वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो आर एच सी एच कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा माइनस एक बटा एन एफ स्क्वायर, ये क्या बचा प्लस हो गया माइनस माइनस, तो वन अपॉन एन आई स्क्वायर। आप इसको आगे पीछे भी लिख सकते हो आप, लेकिन ये किसकी वैल्यू है, ये ई की वैल्यू है, हमें एनर्जी बतानी हो तो एनर्जी आ गई है, एनर्जी डिफरेंस कह सकते हैं इसको, ये दोनों ऊर्जा स्तरों के अंतर की ऊर्जा है, लेकिन हमें नॉर्मली ये जब पार्ट पूछा जाता है तो हमें फॉर्मूला पूछा जाता है आवर्ती का या तरंग धैर्य का, ये बात हमें ध्यान रखनी है, किसका आवर्ती का या तरंग धैर्य का, इसको बाद में लिख सकते हैं, इसको पहले लिख सकते हैं माइनस है की बात है। ई बराबर क्या होता है, एच न्यू होता है इज इक्वल टू आर एच सी एच इंटू वन अपॉन एन आई स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन एफ स्क्वायर, एच से एच कैंसिल आउट हो गया तो ये तो फॉर्मूला गया, न्यू इज इक्वल टू आर एच सी इंटू वन अपॉन एन आई स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन एफ स्क्वायर, ये तो किसका फॉर्मूला गया आवर्ती का। अब हमें किसका बताना है, लैम्डा का भी बताना है, तो एक तो ये आ गया, अगर लैम्डा का बताना है तो आवर्ती क्यू बराबर क्या होता है सी अपॉन लैम्डा रख दो, तो यहां रख दे सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू क्या आएगा आर एच सी वन अपॉन एन आई स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन एफ स्क्वायर, तो सी से सी कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू क्या आ गई वन अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर एच इंटू वन अपॉन एन आई स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन। ये जो फॉर्मूला है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन की जो हम बात कर रहे थे वो यहीं से पूछा जाता है, कॉन्स्टेंट की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए कि रिडबर्ग कॉन्स्टेंट क्या है, एन आई और एन एफ का मतलब पता होना चाहिए, एन आई का मतलब क्या है कि वो एनर्जी लेवल है जहां से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, और एन एफ क्या है वो एनर्जी लेवल है जहां इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा, ठीक है, इसका मतलब एन आई में से जाएगा इलेक्ट्रॉन और एन एफ में पहुंचेगा, ये इनिशियल लेवल है ये फाइनल लेवल है, कुछ भी हो सकता है, अगर आप वो दो से तीन में कहा जाए तो आई का मान दो हो गया, इसका मान तीन हो गया, एक से तीन में कहा जाए तो आई का मान एक हो गया, एन एफ का मान तीन हो गया, उसके अनुसार देखो क्या करेंगे, एक का स्क्वायर एक माइनस एक एक बटा तीन का स्क्वायर नौ, लघुत्तम ले लेंगे, बस लघुत्तम लेके सॉल्व कर लेंगे और आर एच का गुणा कर देंगे, ये जो वैल्यू आएगी वो वन अपॉन लैम्डा की आएगी, तो हम ये लैम्डा ही निकालनी है, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, और थोड़ी सी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी, लेकिन इनमें से क्वेश्चन पूछ लेते हैं किस फोरम में लाइमन श्रेणी के लिए न्यूनतम तरंग धैर्य बताइए, बाबर श्रेणी के लिए अधिकतम तरंग धैर्य बताइए, इस फोरम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अगले टॉपिक में हम फिर ये फॉर्मूला लिखेंगे, ये फॉर्मूला दोबारा लिखेंगे और फिर हम श्रेणियों की बात करेंगे कि लाइमन श्रेणी कब बनती है, बाबर श्रेणी कब बनती है, पाषाण रैकेट कुंड सदी के बारे में कि वो कब कब बनती है, उनके बारे में कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल आ जाए तब आपने को ध्यान रखना है कि किस वे में पूछे गए, न्यूमेरिकल पूछने इसका महत्वपूर्ण है,
शॉर्ट में आता है, क्वेश्चन शॉर्ट में आता है, तो आपसे आवर्ती या तरंग दैर्ध्य के लिए व्यंजक पूछा जा सकता है। तो ये आवर्ती का व्यंजक है और ये तरंग दैर्ध्य का व्यंजक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है तरंग दैर्ध्य के। बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।